हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ जुडिशियल एग्जामिनेशन। आई एम डॉक्टर वसीम आय खान, असिस्टेंट प्रोफेसर श्री शिवाजी लॉ कॉलेज परभनी, महाराष्ट्र, इंडिया। इन टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस सेक्शन 76 टू सेक्शन 78 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोविजन वी विल डिस्कस in what manner the warrant may be executed outside the jurisdiction of the court and what will be the procedure to execute the warrant. Warrant ko execute kis tarike se kiya jayega, uska procedure kya hai, ye sab hum aaj ke lecture mein is particular sections mein discuss karne wale hai, as well as we will discuss the probable question which may be asked by the examiner on these sections and the question asked by the examiner in the previous prelim paper. So without wasting your much time, let's start the topic. Section 76 to 78 of Criminal Procedure Code, which is a part and parcel of warrant. So section 76 deals with person arrested to be brought before court without delay. Section 76 deals with that particular concept. So the police officer or other person executing a warrant of arrest shall without unnecessary delay bring the person arrested before the court. So whenever the police arrest any accused person in consequences of any warrant, then after arresting the accused person, it shall be the duty of that police officer to produce that offender and arrested person before the court without any kind of delay. जब कभी भी police officer warrant के चलते किसी accused को arrest करेगी, arrest करने के बाद किस बिना देरी किए उस arrest किए हुए accused person को court के सामने produce करने की duty है police officer की। अभी देखिए, such delay shall not in any case exceeds 24 hours exclusive of the time necessary for the journey for the place of arrest to the magistrate's court. So such delay shall not in any case exceed 24 hours. Delay कितना हो सकता है, कितनी देर में उसको produce करना है? Within 24 hours. So section 76 deals with whenever the accused is arrested by the police officer, it shall be the duty of police officer to produce the accused person before the court of law within 24 hours. 24 ghante ke andar usko court mein produce karna padega. If police fails to produce the accused person within 24 hours, the entire custody will be treated as a illegal detention. To puri custody illegal detention treat hogi. Ab for example, agar accused ko arrest kiya jata hai, और अरेस्ट करने में अगर उसको केरल में अरेस्ट किया जाता है और उसको महाराष्ट्र में लेकर आना है फॉर एग्जांपल, तो जो जर्नी का जो पीरियड है वो एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसा जो डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद वहां से 24 आवर्स काउंट होंगे, द पीरियड ऑफ जर्नी विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम ऑफ 24 आवर्स। सो दैट इज, दैट मस्ट बी क्लियर। ये सेक्शन 76 था। अब सेक्शन 77 में प्रोविजन है वेयर वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड। वारंट कहां पर एग्जीक्यूट किया जा सकता है, कोई लिमिटेशन है क्या? सो यहां पर क्लियरली मेंशन किया हुआ है, अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सपोज इफ एनी कोर्ट इश्यूज अ वारंट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जिस कोर्ट ने वारंट इशू किया उसके जुरिसडिक्शन में ही वारंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। बट सेक्शन 77 ने यह कंफ्यूजन को क्लियर किया के इफ एनी कोर्ट इश्यूज अ वारंट, सच वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। महाराष्ट्र के अगर कोई कोर्ट ने वारंट इशू किया तो वो वारंट केरल में भी एग्जीक्यूट हो सकता है, वो वारंट उत्तर प्रदेश में भी एग्जीक्यूट हो सकता है, जम्मू एंड कश्मीर में एग्जीक्यूट हो सकता है, अरुणाचल प्रदेश में एग्जीक्यूट हो सकता है, कन्याकुमारी में एग्जीक्यूट हो सकता है, जम्मू कश्मीर में एग्जीक्यूट हो सकता है। सो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। वंस एनी कोर्ट इशूज अ वारंट, दैट वारंट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया में कहीं पर भी एग्जीक्यूट होगा, मतलब पुलिस ऑफिसर कहीं तक भी पीछा करके उस ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है। तो दैट इज द प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 77। अभी देखो, उत्तराखंड जुडिशियल एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, एन अरेस्ट वारंट इशूड बाय अ कोर्ट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट, कहां पर एग्जीक्यूट हो सकता है? तो यहां पर एनी प्लेस इन दैट स्टेट, एनी प्लेस इन इंडिया, एनी प्लेस अंडर जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट,
एनी प्लेस इन द डिस्ट्रिक्ट। अगर हमने देखे तो यहां पर अ वारंट ऑफ अरेस्ट मे बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया, तो एक बार वारंट इशू किया किसी कोर्ट ने तो वो वारंट इंडिया में कहीं पर भी एग्जीक्यूट हो सकता है। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एनी प्लेस इन इंडिया, दैट इज द करेक्ट वन। अभी देखो सेक्शन 78 ये कहता है वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, के अगर फॉर एग्जाम्पल वारंट ऑफ अरेस्ट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड ज्यूरिसडिक्शन, एक कोर्ट ने वारंट इशू किया और वो वारंट का एग्जीक्यूशन किसी और कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जाकर एग्जीक्यूशन होना है, उस सिचुएशन में प्रोसीजर क्या रहेगा, दैट इज मेंशन अंडर सेक्शन 78। सो सच कोर्ट में इंस्टीड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, तो उस सिचुएशन में क्या कर सकता है कोर्ट के वो वारंट अपने ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट ना करते हुए, समझ रहे हो, महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल एक आधा कोर्ट है, कोर्ट अपने ज्यूरिसडिक्शन के पुलिस ऑफिसर को वारंट एग्जीक्यूट ना करते हुए क्या करेगा, फॉरवर्ड इट बाय पोस्ट टू एन एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर ऑफ पुलिस विद इन द लोकल लिमिट ऑफ हूज ज्यूरिसडिक्शन इट इज टू बी एग्जीक्यूटेड। महाराष्ट्र में कोई कोर्ट है, केरल के किसी ऑफेंडर को अरेस्ट करना है तो यहां का कोर्ट क्या करेगा, वारंट बाय पोस्ट भेजेगा कहां पर, किसी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, केरल के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को या वहां के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को वहां के, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वो अक्यूज रहता है जिसको अरेस्ट किया जाना है, तो कोर्ट उसको वारंट भेज सकता है। सच एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एंड पुलिस कमिश्नर शैल इंडोर्स हिज नेम देयर ऑन एंड इफ प्रैक्टिकेबल कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड। अब वो जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है केरल का या वहां का सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या कमिश्नर ऑफ पुलिस है, वहां पर वहां के किसी पुलिस ऑफिसर का नाम इंडोर्स करेगा और वो पुलिस ऑफिसर जाके एग्जीक्यूट करेगा उस वारंट को। प्रोसीजर समझो कि अगर वारंट एग्जीक्यूट किया जाना है किसी और के लोकल ज्यूरिसडिक्शन में तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट के पास ये एक ऑप्शन है, कोर्ट क्या करेगा अपने पुलिस ऑफिसर को वारंट डायरेक्ट ना करते हुए वारंट बाय पोस्ट भेजेगा वहां के एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को जहां के अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाना है, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर ऑफ पुलिस को, और वो वहां के पुलिस ऑफिसर का नाम मेंशन करेगा, इंडोर्स करेगा और वो पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा उसको। अरेस्ट करते वक्त वो जो सब्सटेंस ऑफ वारंट उसको बताएगा कि हम तुमको इसलिए अरेस्ट कर रहे हैं, लाइक दैट, दैट इज अ प्रोविजन मेंशन अंडर सेक्शन 78। अब अगर आउटसाइड लोकल ज्यूरिसडिक्शन में वारंट एग्जीक्यूट होता है उसको अरेस्ट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या रहेगा, हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये था टॉपिक सेक्शन 76 to 78। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन, हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।